बादाम खाएगा? कहाँ खाइए? अब्बा जी कह रहे थे ईरान चाहिए 200 रुपए में बुरे समय। क्या हुआ है तुझे? मैं घर जा रहा हूँ। जरा शेखी है ना तेरी? किस बात की? जरा तो सूद दर सूद के सवाल निकाल लेते हैं ना जल्दी से, इसलिए। ये बात नहीं है। कल मैं नीचे की दुकान पर अभी तो एक बाबू सौदा खरीद रहा था, पूछने लगा गरम मसाला कैसे मियाँ जी। अब्बा जी ने 8 रुपया सेट बताया, बोला और किस तरह छटा, मुझे हंसी आ गई। बेचारे को इतना भी पता नहीं क्या ठाने से टांग हुआ आपकी। तुझे जो पता है। अच्छा मैं चलूं। आज इतनी जल्दी क्यों है तुझे? बस है। तुझे हुआ क्या है हबीब? वहाँ क्या है? पतंग है। फिर पतंग तो हमेशा होते हैं इन दिनों में। मैं चलता हूँ। बात क्या है? पीछे ना पड़ जाएगा मेरे। कल बसंतर मेरे पास एक भी पतंग नहीं, और जो डोर मैंने काठी मार मार कर इकट्ठी की है वो इसमें बहुत गांठें हैं बस। कितने में आएगा सारा सामान? 10 रुपए हो ना तो डोर भी आए, गुड्डे भी आए और चरही भी। तो चाचा जी से क्यों नहीं मांगता? इनकी दुकान थोड़ी चलती है तेरे अब्बा जी की तरह, वो तो पहली को तनहा लाते हैं और 10वीं को खत्म। हाय कितना दर्द है अपने अब्बा जी का, और जो स्कूल में रोक लेता है तेरे अब्बा जी का वो। मैं चलता हूँ। और अगर मैं तुझे 10 रुपए ला दूँ फिर तो जो चाहेगी करूंगा। वादा? हाँ एक तरह का पक्का। तू बता तो सही, जब तू बड़ा होकर डॉक्टर बन जाएगा तो मुझसे शादी करना। वादा? मुझसे शादी करना हबीब? है वादा? देखो पैसे मिल गए हैं, अब क्यों रोते हो? ये लो हबीब। मुझे शादी से बहुत डर लगता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता मुमती, ये पैसे ले लो। मैं शादी करूंगा नहीं, उठा लो अपने पैसे। मैं मगरिब की नमाज पढ़ाऊं, फिर तसल्ली से बात करेंगे।
चाहे आप तसल्ली से बात कर लें या अभी जवाब दे लें, मैं हबीब से शादी नहीं कर सकती। बस हबीब में क्या नक्स है? F5CS किया है लड़के ने। आपके भतीजे में तो कोई नक्स नहीं है जी। हबीब से मैं, मुझे शादी ही नहीं करवानी, मुझे डर लगता है शादी से। पागल हुई, वो लोग मॉडर्न हो गए हैं अब्बा जी। 7 साल रहा है विलायत में हबीब, उसे चाहिए कि अब कोई फॉरेन लड़की ब्याहे। यहाँ की कोई लड़की अब उसके पैटर्न में फिट नहीं आ सकती। मेरी बेटी ने भी बीए किया है, कोई अनपढ़ नहीं। 100 बातों की एक बात अब्बा जी, मैं हबीब से शादी ही नहीं चाहती। भाई हुआ क्या है? कुछ नहीं अब्बा जी, उसके मेरे सितारे नहीं मिलते। तेरे चचा को बहुत रंज होगा बेटी। अब देखे ना अब्बा जी, अब अभी अफसोस करना बहुत अच्छा है, बाद में जो चचा जान को तकलीफ होगी वो। अभी मैं हबीब से मिला आया हूँ, ऐसा तो नहीं लगता, बड़े तपाक से मिला, पता भी नहीं चला कि ये 7 साल लंदन रह आया है। अकलमंद है, मुताबिकत कर ली होगी आपसे 1 घंटे 2 घंटे के लिए। तुम किस तरह सोचने लगी हो ममती? या तो आप मुझसे पूछते नहीं, अब अगर पूछ लिया है तो एहतराम करें मेरी राय का। अच्छा फिर बात करेंगे रात में। कोई बात बात नहीं अब्बा जी, मुझे शादी से डर लगता है। मैं हबीब से कभी शादी ना करूं, चाहे मर जाऊं फिर भी ना करूं। बहन जी, अपना तो वक्त है अब जाने का, बस मुमताज की फिक्र है। मुमताज की फिक्र करे आपके दुश्मन। खैरी मेरी, आप गोद में नवासा खिलाएंगे, उसकी खुशियां देखेंगे। अच्छा अच्छा, बादाम रोगन का तो आप नागा ही ना करें भाई जी। 2 चमची सुबह 2 चमची रात को दूध में मिलाकर, खमीरा भी खाएं बाकायदगी से। खैर सल्ला है, बीमारी शुमारी तो इंसान के साथ है। तुम बड़ी दलेर हो जुबैदा बहन, बड़ी दलेरी से बचपन में यतीमी काटी, जवानी में देवगी का मुकाबला किया। मैं तो सारी उम्र नाशुक्र गुजारी में काट कर ही चल दूंगा। देखें भाई जी, हाँ। ना तो आदमी लड़ सकता है मुकद्दर के साथ, ना उसकी रसाई है अल्लाह सच्चे तक कि वो दूर तो बात साफ साफ कर सके। जब पहुंच ही ना हो, जब आदमी किसी जोगा ही ना हो, तो चुपचाप राजी बारजा क्यों ना रहे। सलाम जुबैदा खाना। जीती रहो बेटी, जीती रहो। ले, इसने भी मुंह उतारा हुआ है। भाई जी आप इसका तो ख्याल करें। इसी का तो ख्याल है और मुझे अपना ख्याल कर रहा है इस मौके पर। दवाई पी लीजिए, मुझे इजाजत दें भाई। बुरा हाल है शहर का, जलूस पर जलूस, पता नहीं ये हिंदू मुस्लिम फसाद कब खत्म हो। अच्छा जुबैदा, मेहरबानी से गोली बम में भी आ जाती है। वो तेरे हमसाये चले गए? वो तो अब अमृतसर भी पहुंच चुके होंगे खैरियत से। अच्छा भाई सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटी सलाम। जी जी दवाई पी लीजिए। अच्छा बेटी, क्या हुआ, क्या हुआ अभी, क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ क्या हबीब? क्या हुआ? पता नहीं, मैं कार से उतर रहा था। हाँ? मुझे तो समझ में नहीं आया, गोली लगी है कहीं से। तुम क्यों रोज आ जाते हो यहाँ पर?
यहाँ तो हर रोज कोई ना कोई वाकया होता रहता है। हर रोज थोड़ी गोली। कल से तू ना आना हबीब, तू ना आना। जल्दी से जेल रोड से जहां तक बहुत फासला है, बहुत फासला है। चाचा जी, अब्बा जी तो मुझे जीने नहीं देंगे, वो तो खुदा रहे थे। देखो गोली अंदर तो नहीं रह गई, देखो तो सही। मेरा फिक्र करने की इतनी कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम पट्टी बांध दो जल्दी से। अल्लाह जुबैदा आई थी हबीब, अपने मुंह से जिक्र करते हुए अच्छा नहीं लगता। मैं आपकी मुश्किल समझता हूं चाचा जी। तुम हालात देख लो क्या है, रोज कहीं ना कहीं आग लगती है, जत्थे फिरते रहते हैं गलियों में। अब तो वैसे तो अल्लाह मालिक है, लेकिन पता नहीं ये बीमारी मुझे मोहलत भी देगी या नहीं। बीमारी तो सेहत का जरूरी हिस्सा है चाचा जी, ये बात तो छोड़ें आप। देखो ना हबीब, वैसे भी जुबैदा का माल है, अब अगर वो सादगी से मुमताज को ब्याह ले जाएं, तो मेरे फिक्र आधे हो जाएं। हालात ठीक होने पर ब्याह करें तो उनकी मर्जी, कौन जाने तब तक मैं रहूं ना रहूं। बात यह है हबीब कि मैं अपने मुंह से जुबैदा को कहते हुए हिचकिचाता हूं, वो पहले बड़े बेटे की शादी करना चाहती है। हबीब, हबीब जी जैसे, अगर तुम अपने तौर पर जुबैदा को मजबूर करो, मेरी सेहत का हवाला देकर उसे मजबूर करो, तो शायद वो मान जाए। मुमताज की उम्र भी काफी हो चली है। मैं कल ही चला जाऊंगा जी, आप फिक्र ना करें चाचा जी। फिर मोमती, फिर क्या? मैं कल तुम्हारी जुबैदा खाला के पास जा रहा हूँ। तुम्हारी शादी की तारीख तय करने, इसी हफ्ते के अंदर अंदर। इतनी जल्दी? बस चाचा जी की यही आरजू है। बहुत दर्द हो रहा है ना यहाँ पे।